नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। ख्रिस्त जयंती एवं नववर्ष के अवसर पर सेंट जॉन्स डीएलडब्ल्यू में विशिष्ट विकलांग प्रतिभागियों हेतु सांस्कृतिक एवं खेलकूद का हुआ भव्य आयोजन। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वाराणसी धर्म प्रांत की ओर से ख्रिस्त जयंती एवं नववर्ष के अवसर पर विशिष्ट विकलांगों हेतु खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन डिरेका स्थित सेंट जॉन्स स्कूल परिसर में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वाराणसी धर्म प्रांत के बिशप यूजिन जोसफ व सम्मानित अतिथि विकलांग जन सशक्तिकरण के मुख्य अधिकारी राजेश मिश्र रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिशप यूजिन जोसफ ने इस अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि विशिष्ट दिव्यांगों के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को करना हमारा कर्तव्य है और प्रभु यीशु का भी यही संदेश है। इस अवसर पर फादर सुसाई राज ने क्लाउन टाइम्स से दिव्यांगों के लिए हो रहे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से की सीधी बात। हर साल वाराणसी धर्म प्रांत विशिष्ट बच्चों के लिए यानी दिव्यांग बच्चों के लिए 2 जनवरी को सेंट जॉन्स स्कूल डीएलडब्ल्यू के प्रांगण में उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद की व्यवस्था की जाती है। ये क्रिसमस और नववर्ष के उपलक्ष्य में इन दिव्यांग बच्चों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए उनको एक अवसर देने के लिए यह दिन रखा गया है और इस दिन काफ़ी संख्या में विभिन्न संस्थाओं से दिव्यांग के बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और उन लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करते हुए यहाँ पर बड़ी हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हैं। और इसके अलावा गाँवों से भी जहाँ पर आउटरीच प्रोग्राम उन लोगों का चलता है वहाँ से काफ़ी संख्या में गाँवों से भी दिव्यांगों से ग्रस्त लोग इसमें आते हैं और इस दिन का आनंद लेते हैं। अधिकांश बच्चे बनारस के हैं और आसपास के जनपद से भी जैसे मऊ जिला, गाजीपुर जिला, चंदौली जिला आदि जगहों से भी कुछ संस्थाएं इस दिन अपने बच्चों को तैयार करके लाते हैं। जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बैग की व्यवस्था की जाती है, नोटबुकों की व्यवस्था की जाती है, ये सब चीज़ें उनके पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और इन लोगों को मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।